टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बकरा ईद का त्यौहार नज़दीक आ रहा है, ऐसे में सरकार द्वारा बकरा ईद मनाने के लिए निर्देश जो जारी किए गए हैं उसी के तहत ऑनलाइन बकरा तो लोग खरीद रहे हैं मगर साथ ही बड़े जानवरों की भी कुर्बानी के लिए खरीदारी की जा रही है। हर साल शहर में जानवरों की कुर्बानी के लिए स्लाटर हाउस बनाए जाते थे मनपा द्वारा, जिसमें जानवरों की कुर्बानी की जाती थी, मगर इस बार अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि मनपा द्वारा इस बकरा ईद पर स्लाटर हाउस की व्यवस्था की जाएगी या नहीं। जानवरों की कुर्बानी के लिए नगर सेवक जफर नुमानी, शाह आलम और समाज सेवक राजू अंसारी ने मनपा में मांग की है कि जानवरों की कुर्बानी के लिए शहर में स्लाटर हाउस की व्यवस्था की जाए। शहर में जो लोग जानवरों को कुर्बानी के लिए खरीद रहे हैं वो कुर्बानी कहाँ करेंगे, इसलिए मनपा को स्लाटर हाउस की व्यवस्था करनी चाहिए। कुर्बानी के बाद जो वेस्टेड पार्ट निकलते हैं उनके लिए शहर में जगह जगह डब्बे रखे जाएं ताकि लोग वेस्टेड पार्ट उस डब्बे में डाल सकें। लोगों के जहन में ये सवाल बार बार आ रहा है कि आखिर वो जानवरों की कुर्बानी करे तो कहाँ करे, और इसीलिए जानवरों की कुर्बानी कहाँ की जाए इसलिए स्लाटर हाउस की मांग की गई है। शाह आलम और जफर नुमानी ने क्या कहा है सुनिए। इस्लामुद्दीन भाई, जैसे कि अभी कुर्बानी नज़दीक आ रही थी तो हम लोग ने पहले से अपना जो सेलेटर हाउस है उसकी मांग आयुक्त साहब से की थी, थाना महानगर पालिका से की थी, हमने पत्र व्यवहार किया था। और जिस तरीके से हमारे देश के अंदर मतलब बड़े की कुर्बानी बैल और ये पाड़े और भैंस के ऊपर है तो इसकी हमारे देश में मतलब इजाज़त है कुर्बानी करने के लिए, और हर जिस तरीके से मुमरा शहर के अंदर महानगर पालिका हर साल हमको जो परमिशन और सेलेटर हाउस का परमिशन देती थी वो इस साल भी हमारी ये मांग है कि वो दिया जाए, क्योंकि ये जो जानवर हमारे यहाँ हैं बड़े के जो पाड़े वगैरह हैं तो वह परमिशन हमको चाहिए और सेलेटर हाउस होना चाहिए। थाना महानगर पालिका हर साल जिस तरीके से देती थी, वहाँ म्यूनसिपल्टी के कर्मचारी रहते थे, साफ़ सफाई करने की गाड़ियाँ मतलब जो गंदगी रहती थी उठाने के लिए गाड़ियाँ रहती थी म्यूनसिपल्टी की, तो ये सब तमाम चीज़ें हर साल हमें मिलती थी तो इस साल भी मिलना चाहिए। हमने मांगनी की थी, अभी लॉकडाउन का वो चल रहा था तो आयुक्त साहब से मुलाकात नहीं हुई थी तो हमने पत्र व्यवहार किया था, और जब बड़े के जानवर हमारे शहर में हैं तो लाजिम है कि हमको सेलेटर हाउस मिलना चाहिए। भले हर साल अगर 10 जगह मिलता था तो इस साल 5 दिया जाए, मगर दिया जाए, नहीं तो ये बड़े की कुर्बानी जो जानवर हमारे वो कहाँ करेंगे लोग। और दूसरा, मैं अपने शहर के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जब कुर्बानी हम करेंगे तो उसका मतलब एक एहतराम किया जाए, पर्दे में किया जाए, ताकि हमारे और जो गैर हिंदू भाई हैं जिनको इसकी कोई तकलीफ़ नहीं हो। भाई क्या मांगते हैं आपने कुर्बानी को? कुर्बानी के लिए हम लोगों ने हर साल जिस तरीके से बड़े की जानवर की कुर्बानी होती है उसी तरीके से हमने इस साल भी मांगनी की है कि, और हमने एक लेटर दिया है कमिश्नर साहब को, ये लेटर दिया है कि जिस तरीके से हर साल हमारे शहर में मुमरा शहर में बड़े जानवर की कुर्बानी होती है, यहाँ पर स्लाटर हाउस का परमिशन दिया जाता था, यहाँ पर महानगर पालिका के लोग आकर के उसकी साफ़ सफाई करते थे, वहाँ उसके तमाम चीज़ों को उठा करके लेकर के जहाँ जहाँ ले जा करके फेंकते थे, उसके लिए खड्डा मित्तल ग्राउंड में इकट्ठा किया जाता था। हम चाहते हैं कि हर साल की तरह कुर्बानी हमारा अजीम तरीन फरीज़ा है, हम ये चाहते हैं कि उस तरीके का परमिशन जैसे हर साल होता था कुर्बानी के लिए वैसा हमको परमिशन दिया जाए, हमने ये मांगनी की है। और हम ये चाहते हैं सारी चीज़ें दुकानें खुल गई हैं, हर चीज़ कारोबार खुल गए, सारी चीज़ें खुल गई हैं, ये हमारा साल में एक ही बार त्यौहार आता है। हम महानगर पालिका से अपील करते हैं कि महानगर पालिका जिस तरीके से हर साल हमको कुर्बानी के लिए परमिशन देती थी दी जाए, और शहर के तमाम नगर सेवक तमाम NGO से मैं गुजारिश करूँगा कि तमाम लोग कमिश्नर साहब को जाकर के मिलें और ये अपील करें कि बड़े के जानवर की कुर्बानी का परमिशन हमको दिया जाए।